हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था ड्रॉट के बारे में। इसी ड्रॉट के डिस्कशन को जरा आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्लड, उसको फटाफट डिस्कस करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। एक इंफॉर्मेशन है छोटी सी कि आप लोग अब हमेशा एक बार 10 o'clock पे, मतलब 10 AM पे मॉर्निंग पे एक बार क्लास जरूर चेक कर लिया करिए। मैं ट्राई करूंगा कि सारी की सारी क्लासेस एट 10 AM डेली के बेसिस पे जो है अपलोड करूं, ताकि आप लोग देख सकें और वो भी लाइव देख सकें, ताकि आप लोग अपने डाउट्स या कमेंट भी पूछ सकें, जिसको कि मैं सॉल्व कर दूंगा फटाफट आप लोगों को। अच्छा, इसके अलावा कई लोग पूछ रहे थे कि पेपर 2 कब कंप्लीट होगा। देखिए, मैं ट्राई करूंगा कि जुलाई एंड तक आपके ये पेपर कंप्लीट हो जाए, जितनी भी डिस्कशन है सारी कंप्लीट हो जाए। कुछ लोग पूछ रहे थे बुक के बारे में। मैं ऑलरेडी आप लोगों को डे 1 से इस सीरीज में बता रखा हूं, पेपर 2 के लिए आप माजिद हुसैन बुक रेफर कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर बुक चाहिए तो आप खुल्लर को भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में सफिशियंट नहीं होगा। आपको इसके अलावा करंट अफेयर, केस स्टडीज और साथ ही साथ जो मैगजीन्स आती हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। मतलब पेपर 2 को रेगुलरली आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये पेपर एक ऐसा पेपर है जो रेगुलरली आपको अपडेट करना है, और पेपर 1 के कंसेप्ट आपको इसमें इंक्लूड करना है। वो कि हम लोग तो डिस्कशन करेंगे तो आइडिया लगेगा ही कैसे करना है, फिलहाल के लिए बताऊं तो ये सीन रहेगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं जरा आज का डिस्कशन फ्लडिंग के बारे में। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट, लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा टेस्ट सीरीज फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल इज ऑल्सो अवेलेबल, वेल 20 टेस्ट इज अवेलेबल। ये ऑलरेडी ऑन गोइंग है, जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन टेक पार्ट इन दैट टेस्ट। तो ये हम लोग बेसिकली सिलेबस देख रहे थे, जहां पर हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा था फ्लड एंड ड्रॉट के बारे में। तो जरा कंटिन्यू करते हैं हमारे फ्लड के टॉपिक को, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग ड्रॉट के सिस्टम को। तो हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉट की डेफिनेशन देखी थी। इस ड्रॉट की डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ ड्रॉट देखा था, जहां पर 3 तरीके के ड्रॉट थे। 1 वॉज द मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, 2 वॉज द एग्रीकल्चरल ड्रॉट और 3 हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट थी। इस ड्रॉट के बाद हम लोगों ने IMD की डेफिनेशन देखी थी, जो बेसिकली रिसेंट में ही चेंज कर दी गई है, और इस ड्रॉट की जगह पर अब बोला जाता है रेनफॉल डिफिशियंसी, ठीक है, या फिर वाटर शॉर्टेज। तो ये तीनों के डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि IMD ने क्या डेफिनेशन दी हुई है। फिर हम लोगों ने देखा था कि कितने टाइप के ड्रॉट कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। तो जिसमें से मैंने बताया था कि एक इलाका आपका ये इलाका आ जाता है, जिसको हम लोग एरिड और सेमी एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान बोलते हैं। दूसरा हो जाता है जहां पर मैंने बोला था कि आप लोगों को ये जो बीच में जे कर्व होती है, दिस जे कर्व इज नथिंग बट द रेन शेड्यूल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट। एंड लास्टली कई सारे छोटे छोटे रीजन भी हैं जहां पर हमें इस तरीके की ड्रॉट कंडीशन देखने को मिल जाती है। छोटे मोटे एरियाज है, लाइक नॉर्थ ईस्ट का एरिया में भी कुछ पार्ट आ जाते हैं, साउथ के एरिया में आ जाते हैं, और सेंट्रल इंडिया या फिर बुंदेलखंड के रीजन में भी आ जाते हैं। फिर हम लोगों ने एडवर्सिटी ऑफ द ड्रॉट के बारे में बात किया था कि कितनी ज्यादा दिक्कत वाली चीज है ये ड्रॉट। फिर हम लोगों ने लास्टली ड्रॉट मैनेजमेंट के बारे में बात किया, और ड्रॉट मैनेजमेंट के बाद हम लोगों ने ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट ने 1970 से ही लॉन्च करके रखा है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। अब हम लोग जरा आते हैं और अपने फ्लड के टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कि फ्लड में आखिर क्या चीज है। तो व्हाट इज फ्लड, हिंदी में इस चीज को बोलते हैं बाढ़। तो बाढ़ का आने का मतलब क्या होता है कि जब एक बेंचमार्क लेवल से, दिस इज द बेंचमार्क लेवल से जब वाटर का लेवल राइज कर जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि अब फ्लड कंडीशन हो गई है। तो फ्लड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिजास्टर, और ये भी अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, मतलब 2005 के एक्ट से ही डिराइव की जा रही होती है। फ्लड के डेफिनेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो इट हैज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ हाई वाटर लेवल अलोंग अ रिवर चैनल और कोस्ट दैट लीड टू इनंडेशन ऑफ लैंड। मतलब कि लैंड के अंदर में जैसे ये
इन कह लीजिए इंटर कर रहा होता है उसी को बोलते हैं इनंडेशन, विच इज नॉर्मली सबमर्स्ड. फ्लड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ ए ड्रेनेज बेसिन. इनफैक्ट ड्रॉट एंड फ्लड्स आर द टू एक्सट्रीम ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, वन साइड में ड्रॉट आती है जहां पर ये डिफिशियंसी की वजह से होती है, और वहीं दूसरी ओर फ्लड आती है जो बेसिकली सरप्लस के कारण से हो जाती है. अब ये डिफिशियंसी और सरप्लस दोनों ही आपको देखने को मिलेगा चेन्नई में. वन साइड द रीजन इज इन रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, और अदर साइड व्हेन रेन बियरिंग विंड्स या फिर जो भी रिटर्निंग मॉनसून होती है ये वेस्ट बंगाल से मॉइस्चर को लेकर के अल्टीमेटली हिट करती है चेन्नई में, और वहां पर सरप्लस फॉर्मेट में रेनफॉल करती है. ऑल्दो रेनफॉल करने के कारण जो यहां पर फ्लड आती है उसमें कहीं ना कहीं नेचुरल के साथ साथ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, एंड दिस इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द ड्रेनेज प्रॉब्लम्स. द ड्रेनेज प्रॉब्लम होने की वजह से ही यहां पर फ्लड कंडीशन देखने को मिलती है. इनफैक्ट फ्लड कंडीशंस वर्स होती हैं अगर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स ज्यादा डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं. लाइक अगर मान लीजिए चोकिंग हो जा रही है कहीं पर, ऑब्वियसली वाटर फ्लो नहीं कर पाएगा तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. फ्लड कंडीशन के बारे में अगर बात की है तो ये मेनली हमें देखनी को मतलब नेचुरल तरीके से अगर बात करें तो मेनली हमें देखने को मिलेगी जहां पर भी हिमालयन रिवर्स है. हिमालयन रिवर की खास बात ये हो जाती है कि यहां पर एक तो ग्लेशियल का भी वाटर आता रहता है, साथ ही साथ में एक्स्ट्रा रेनफॉल वाटर भी आ जाता है. तो इस कारण से यहाँ पर हिमालयन रिवर्स ऑब्वियसली अपने जो कोर्स होती है उसको बड़ा कर देती है, और बड़ा करने के कारण बिकॉज ऑफ द हाई वॉल्यूम ऑफ द वाटर एरिया को ये चारों ओर से पानी से कह लीजिए कि एक लेवल से ऊपर उठ जाती है, जिसके कारण से अगेन यहाँ पर हम लोग फ्लड कंडीशन बोल देते हैं. बट अगर वो एरिया जहां पर कह लीजिए कि जो रिवर है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है या फिर रिवर नहीं है, बट स्टिल देयर आर फ्लड कंडीशंस. जैसे राजस्थान के बारे में बात कर ले तो वहां पर भी फ्लड कंडीशंस आई है, ऑल्दो वहां पर उतनी खास रिवर्स नहीं है. लूनी रिवर इज देयर बट इट इज नॉट इवन गेटिंग इनटू सी, तो ये ओशन में मिलती तक नहीं है, बट स्टिल वहां पर हमें फ्लड कंडीशन देखने को मिली है. चेन्नई अगेन देयर इज नो रिवर, मतलब यहां पर देखेंगे तो एज सच कोई सिग्निफिकेंट रिवर नहीं है. इनफैक्ट द रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, तो रेनफॉल पे डिपेंड करती है, बट स्टिल दे आर गेटिंग फ्लडेड, एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दीज काइंड ऑफ फ्लड्स आर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. और मेनली अगर देखेंगे तो ड्रेनेज पैटर्न में जो प्रॉब्लम होगी उसी के कारण से हमें इस तरीके की फ्लड देखने को मिलती है. आगे बात करें अगर तो वाइल ड्रॉट अकर ड्यू टू द फेलियर ऑफ द रेनफॉल, फ्लड जनरली अकर इन द इवेंट ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल. दस फ्लड इज अ नेचुरल हजार्ड विच अकर्स रिस्पॉन्स टू हैवी रेन, एंड इट बिकम्स अ डिजास्टर व्हेन इट इन्फ्लिक्ट्स हैवी लॉसेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो ये अगेन ड्रॉट हो चाहे फ्लड हो, extreme of anything is bad and it can lead to loss of life and property both in drought as well as in flood. Clear ho gaya. Now the next question ki causes of the flood kya hai. To dekhiye yahan par again agar aap apne dimag se bhi sochenge to aap bahut aasani se isko categorize kar jayenge. Jaise you can categorize it natural causes. Ek to natural cause mein aap lekar ke aa sakte hain, दूसरी लेकर के आ सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक कॉसेस में. एंथ्रोपोजेनिक, अब देखिए वीडियो को एक बार पॉज करिए और पॉज करके जरा चेक करिए कि आखिर में क्या आप लिख पा रहे हैं इन दोनों ऑप्शंस को. यू हैव टू जस्ट यूज योर माइंड कि बाढ़ की कंडीशन, चाहे आप कहीं पर भी रहते हो आप बाढ़ की कंडीशन के बारे में तो बहुत ईजिली सोच सकते हैं. सबसे पहले बाढ़ की कंडीशन के लिए आप क्या कहेंगे कि जहां पर भी रिवर का कोर्स है अगर ये किसी भी ब्लॉक होता है, चाहे वो नेचुरल तरीका हो चाहे एंथ्रोपोजेनिक तरीका हो, ऑब्वियसली वाटर का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर नहीं हो पा रही है. तो अगेन अगर रिवर का कहीं ब्लॉक हो रहा हो, ब्लॉक किस किस तरीके से हो सकता है, लैंड स्लाइड की वजह से हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हो सकता है कहीं माउंटेन ऊपर उड़ गई हो, लाइक हिमालयन रिवर्स में जो एंटीसीडेंट रिवर है वो देखने को मिला है.
तो इस तरीके की कंडीशन जहां पर भी होगी ऑब्वियसली यहां पर नेचुरल कॉज ऑफ फ्लड बन जाएगा। तो एक तो हो गया रिवर कोर्स, या इसमें आप बोल सकते हैं लैंडस्लाइड मैकेनिज्म। सेकंड, हैवी रेनफॉल। और ये हैवी रेनफॉल क्यों होगा? ये हैवी रेनफॉल हो सकता है ला नीना के कारण से, या फिर हैवी प्रेशर के जनरेट होने के कारण से। दोनों ही रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी भी साइक्लोन की वजह से आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहां पर फ्लड आएगी, क्योंकि साइक्लोन जो होता है वो काफी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एंड इन द शॉर्ट टर्म यू कैन नॉट एक्सपीरियंस की कोई फ्लड आ रही है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यहां पर कोई फ्लड कंडीशन आने वाली है, चाहे वो अरेबियन सी की कह लीजिए कि साइक्लोन हो, या फिर आपकी बे ऑफ बंगाल की साइक्लोन हो। बोथ कंडीशन में हमें इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि जहां पर भी रिवर कैप्चर हमें देखने को मिले, तो रिवर कैप्चर करेंगे तो ऑब्वियसली अगेन हमें फ्लड कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर एक रिवर पीछे से दूसरी रिवर जो स्ट्रॉन्ग रिवर है या फिर हाई वॉल्यूम रिवर है कैप्चर करेगी, तो ऑब्वियसली वो इलाके को पहले फ्लड करेगी और उसके बाद से आगे कोई कंडीशन देखने को मिलेगी। तो दीज आर द सम ऑफ द नेचुरल कॉजेस। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर में आप आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसी चीज को आप एंथ्रोपोजेनिक में सोचिए। रिवर कोर्स है, ब्लॉक हो रहा है, दैट मींस क्या है? ड्रेनेज प्रॉब्लम है। और ड्रेनेज प्रॉब्लम आखिर में है अगर, तो क्यों हो गई है? दिस इज ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया गया है, ये इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया है कि आखिर में ड्रेनेज पैटर्न क्या सही स्मूथ तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। सेकेंड, थर्डली, अर्बनाइजेशन, जो हाई अर्बनाइजेशन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं वाटर को डाइवर्ट कर रहा है। इनफैक्ट वाटर डाइवर्जन इट सेल्फ इज अ प्रॉब्लम ऑफ फ्लड। तो वाटर डाइवर्जन हो गया, या फिर जो रिवर वाटर इंटरलिंकिंग है वो भी है। तो रिवर वाटर इंटरलिंकिंग भी आप कह देंगे कि मतलब फ्लड के कॉजेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉजेज हो जा रहे हैं जो आप देख सकते हैं कि चाहे वो नेचुरल हो चाहे एंथ्रोपोजेनिक हो, दोनों जगहों पर आप इस चीज को दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो यू हैव टू यूज योर माइंड। तो द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब यहां पर देखिए एक और तरीका होता है जहां पर आप क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे यहां पर किया गया है इन द बुक, लाइक मेटोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फिक। तो ये तीन तरीके से यहां पर भी आप दिखा सकते हैं, वन इज द मेटोलॉजिकल, सेकेंड वन इज द जियोमॉर्फिक, थर्ड वन इज द एंथ्रोपोजेनिक लाइक मैन मेड। तो ऊपर के दो आप बोल सकते हैं कि दीज आर नेचुरल फैक्टर्स, और लास्टली जो है ये मैन मेड फैक्टर्स बन जाएगा। तो मेटोलॉजिकल में अगर बात करें तो दीज आर इंक्लूड्स वॉट, दीज आर द क्लाइमेटिक फिनोमिनाज लाइक रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया ड्यू टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्लाउड बर्स्ट हो गया, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन क्लाउड बर्स्ट। मोस्ट ऑफ द फ्लड इन इंडिया रिजल्ट ऑफ हेवी प्रेसिपिटेशन स्पेशली ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून। तो जो मॉनसूनल टाइम होता है उसी दौरान में हमें फ्लड कंडीशन देखने को मिलती है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कि हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं रखे होते हैं इसी कारण से। नेक्स्ट, अगर जियोमॉर्फिक के बारे में बात करें तो अगेन देखिए लार्ज कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर, दिस इज ड्यू टू द जेंटल स्लोप एंड लो ग्रेडियंट ऑफ रिवर कोर्स, पुअर ड्रेनेज ऑल्सो लीड टू फ्लड इन द नॉर्दर्न प्लेन एंड कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। जब भी देखेंगे यहां पर देखिए नॉर्दर्न प्लेन है, क्यों? क्योंकि यहां पर ये हिमालयन रिवर्स पाई जाती हैं। वैसे जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर फ्लड ये भी होती है, दिस इज ड्यू टू द क्लाउड बर्स एंड पुअर ड्रेनेज। अगेन देखिए यहां पर पुअर ड्रेनेज है, यहां पर कोई रिवर का फंडा नहीं होता है। एंथ्रोपोजेनिक में अगर बात करें तो देखिए डिफॉरेस्टेशन इज द मेन कॉज, क्योंकि वाटर को ये रोकता नहीं है, रोकेगा नहीं तो ऑब्वियसली यहां पर फ्लो करने के कारण फ्लड कंडीशन देखने को मिल जाएगी। इनक्रोचमेंट फॉर एग्रीकल्चर इनटू द पास्चर एंड फॉरेस्ट एरिया, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो लैंड डिग्रेडेशन होते आ रही है, उस लैंड डिग्रेडेशन के कारण हमें एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्लड्स देखने को मिल रही है। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टिवेशन अगेन लैंड डिग्रेडेशन ही है। अनसाइंटिफिक रोटेशन ऑफ द क्रॉप बिकॉज ऑफ दैट सॉइल्स आर गेटिंग अल्कलाइन, और उसके कारण से अगेन हमें कई तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बर्स्टिंग ऑफ द डैम, एम्बैंकमेंट, अर्बनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज इन द रिवर बेड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ फ्लड्स इन द कंट्री। ऐसे मुंबई फ्लड, चेन्नई फ्लड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पुअर ड्रेनेज कंडीशन एंड अनप्रिपेयर्डनेस। तो ये कुछ कॉजेज हैं कॉजेज ऑफ द फ्लड। इसके बाद हम लोग आ जाए अगर देखें कि व्हाट ऑल द एरियाज आर देयर इन द इंडिया व्हिच आर फ्लड प्रोन एरियाज,
तो इसमें भी अगेन अगर हम देखेंगे तो मेनली कौन से रीजन आ जाएंगे, जो हिमालयन रिवर्स वाली रीजन है। तो एक बार स्टेटस के बारे में अगर बात किया जाए कि क्या है स्टेटस, तो स्टेटस ये आपको मेमोराइज करना है, रट्टा मार लेना है, इस चीज को डेटा है। देखिए यहां पर आउट ऑफ द कंट्रीज टोटल जियोमॉर्फिक एरिया, टोटल जियोमॉर्फिक एरिया अबाउट 40 मिलियन हेक्टेयर, विच इज द 12% इज प्रोन टू फ्लड एंड दीज आर मेनली इन द नॉर्दर्न बेल्ट। द फ्लड प्रोन एरियाज आर वेल स्कैटर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रेंजिंग फ्रॉम हेवी रेनफॉल एरिया टू द स्कैंटी रेनफॉल एरिया। फ्लड इज हाउएवर अ रिकरिंग फीचर ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन द असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। फ्लड ऑल्सो अकर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइक वैली ऑफ कश्मीर, द लोअर रीचर्स ऑफ द रिवर डिस्चार्जिंग देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ खंबत। तो ये बेसिकली आपको ये पूरा का पूरा जो लाइन लिखा गया है ये रट्टा मार लेना है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहीं पर भी फ्लड आती है, क्वेश्चन आता है, चाहे वो जीएस में आ रहा हो, चाहे वो आपकी ऑप्शनल में आ रहा हो, अगर आप इस लाइन को कोट करते हैं तो आप आराम से अच्छा खासा मार्क्स पा सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं फ्लड प्रोन वाले। तो देखिए फ्लड जो है मेनली अफेक्ट जो होता है वो एक तो गंगा बेसिन में, दूसरा ब्रह्मपुत्र बेसिन, पंजाब, हरियाणा, फ्लड प्लेन एंड फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ द कोस्टल प्लेन। अगर इसको मैप में फटाफट देख लिया जाए तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि यहां से गंगा रिवर निकल रही है और ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो फ्लड प्रोन कर दे रही है। यहां पर फ्लड प्रोन होने का अगेन दो रीजन है, एक तो रिवर में हाई वॉल्यूम हो जाना, हाई वॉल्यूम, और सेकंड हो सकता है हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल। तो यहां पर बेसिकली हेवी रेनफॉल के कारण ही रिवर में हाई वॉल्यूम आ रही होगी। लेकिन दूसरा एक और रीजन है, दैट इज द ग्लेशियर, ग्लेशियर के कारण से भी यहां पर फ्लडिंग कंडीशन बन सकती है, या फिर जिसको आप स्नोफॉल भी बोल सकते हैं। जब ये बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग जब ये पिघलेगी, जब मेल्ट होगी, तो ऑब्वियसली रिवर में जो इसका वॉल्यूम है वो बढ़ेगा एंड इस कैन लीड ऑल्सो टू द रेनफॉल कंडीशन। सिमिलरली ब्रह्मपुत्र भी आती है और इस तरह से ब्रह्मपुत्र भी जो है वो रेनफॉल कंडीशन इस इलाके मतलब कि ये कंडीशन में फ्लड बना सकती है। इनफैक्ट हर साल आपको असम में बाढ़ की कंडीशन या न्यूज सुनने को मिली होगी, जैसे रिसेंट में ही देखेंगे तो बाढ़ की कंडीशन हमें असम में देखने को मिली हुई है। इनफैक्ट बाढ़ हो बिहार हो गया, असम हो गया, ये वो इलाके हैं जिसमें हर साल बाढ़ आती ही आती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र प्लेन। नेक्स्ट पंजाब हरियाणा प्लेन, अगेन दिस इज द फाइव रिवर का जोन होता है, इस वजह से यहां पर भी हमें इस तरीके की बाढ़ की कंडीशन देखने को मिलती है। और लास्टली जो होती है फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ द कोस्टल प्लेन, तो यहां पर भी हमें मुंबई हो गया या फिर आसपास के जो इलाके हो गए यहां पर भी बाढ़ की कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर एक और एरिया आप इंक्लूड कर सकते हैं, दीज आर द अदर एरियाज। अदर एरियाज में अगर आप आ जाएंगे तो ऑल दो दीज एरियाज आर नॉट फ्रीक्वेंट बट दे आर ऑल्सो प्रोन टू द फ्लड कंडीशन। लाइक एक तो आपने चेन्नई यहाँ पर लिख दिया कि चेन्नई में लगातार बारिश होती है, मतलब कि ये जो कह लीजिए रिटर्निंग मानसून होते हैं ये आते हैं, मॉइस्चर उठाते हैं वेस्ट बंगाल से और हिट करते हैं चेन्नई को और यहाँ पर हैवी रेनफॉल करते हैं। राजस्थान में भी आजकल हमें फ्लड देखने को मिल रही है एंड दिस इज अगेन ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट। और ये बेसिकली क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज है। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे हमारे फ्लड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को लेकर के, कि अब फ्लड आ चुकी है या फ्लड अगर आती है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर करें। तो ये अगेन आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू आप निकाल सकते हैं या फिर सेंडाई फ्रेमवर्क के जरिए निकाल सकते हैं या फिर पुराने वाले ह्योगो प्रोटोकॉल या ह्योगो फ्रेमवर्क से भी निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा आप पेपर 3 जीएस पेपर 3 में पढ़े होते हैं तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी में आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं वन बाय वन करके क्या चीजें हैं फ्लड कंट्रोल की एंड देन हाउ कैन इट बी मैनेज्ड। देखिए सबसे पहले तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि फ्लड फोरकास्टिंग, सो दैट लोगों को एटलीस्ट पता हो जाए कि हाँ फ्लड आ सकती है। इस फ्लड फोरकास्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो बहुत ही बेसिक सा फंडा होता है और वो होती है रिवर की मार्किंग। तो रिवर पे हमेशा एक बेंचमार्क बना होता है जिससे ऊपर रेड लाइन होती है, उस रेड लाइन से अगर ऊपर बह रही है नदी तो बोल दिया जाता है कि फ्लड आने की पूरी संभावना है, आप लोग अपने अपने घरों में तैयारियां कर लीजिए या फिर घरों को छोड़ करके कुछ समय के लिए दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाइए। तो इस तरीके से मार्किंग की जाती है। सेकेंड सैटेलाइट देखा जाता है, सैटेलाइट से भी देखा जाता है कि आखिर में बाढ़ की कंडीशन या रिवर की कंडीशन क्या है। नेक्स्ट देखा जाता है रेनफॉल,
रेनफॉल अगर बहुत ज्यादा हैवी शावर हो रहा है तो फिर इलाके को पहले ही अवेयर कर दिया जाता है कि देखिए रेनफॉल हैवी हो सकती है एंड देयर इज अ चांस कि फ्लड भी आ जाए। तो इस तरीके से यहां पर प्रिपेयरनेस की जाती है बेसिकली फॉरकास्ट करके और लोगों को अवेयर करके। सेकंड होती है रन ऑफ, रिडक्शन ऑफ द रन ऑफ। रिडक्शन ऑफ द रन ऑफ का मतलब ये हो गया कि हाँ ठीक है बारिश हो गई है, हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इकट्ठा भी हो गया है, अब इसको कैसे हटाएं। तो एक अभी आप लोगों ने देखा होगा बीएमसी की न्यूज, फटाफट आपको मतलब मुंबई की न्यूज देखने को मिली होगी, यहां पर ये लोग पंप लगा लगा करके वाटर को इलाके से मतलब कि जो भी अंडरपास है या फिर जो भी इलाके हैं वहां से हटा रहे थे। तो पंपिंग सेट के थ्रू या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करके भी आप निकाल सकते हैं फर्स्ट। सेकंड, आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल जो भी आपका ड्रेनेज पैटर्न है, जो भी नालाज है, जो भी चीजें हैं, उस ड्रेनेज पैटर्न को सिर्फ और सिर्फ क्लीन रखना है, कहीं पर भी चोकिंग ना होने पाए इस बात को इंश्योर करना है, दैट्स ऑल, और कोई बात नहीं। इनफैक्ट दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में अगर हल्की रेनफॉल होती है सड़क पे पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि अगेन या तो जो ड्रेनेज है वो चोक होते हैं, वहां पर डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, वहां पर कई बार तो आपने ये देखने को मिलता है कि ड्रेनेज जा रही है और लोगों ने वहीं पर अपना घर बना करके रखा हुआ, उसी ड्रेनेज के ऊपर घर बना के रखा है, तो ऑब्वियसली इलाका फ्लडेड हो जाएगा, और वो भी फ्लडिंग जो है बिकॉज ऑफ द ड्रेनेज प्रॉब्लम हुई है, ना कि रेनफॉल या फिर अदर मेटोरोलॉजिकल कंडीशन। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एंड रिजर्वायर। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एंड रिजर्वायर वाटर को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन समटाइम्स हो क्या रहा है कि जो डैम्स और रिजर्वायर्स बनाए जा रहे हैं ये बहुत ही लो क्वालिटी के बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण से वाटर यानी रिवर में जो वाटर है वो अगर वो हाई वॉल्यूम हो रहा है और थोड़ा सा इसका हाइड्रोलॉजिकल प्रेशर इसका जैसे ही बढ़ रहा है, इस हाइड्रोलॉजिकल प्रेशर के बढ़ने के कारण से डैम टूट जा रही है और आसपास का जो भी लोकल विलेज है उस विलेज को ये फ्लड कर दे रहा है। तो इस वजह से हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम और रिजर्वायर के दौरान में इंजीनियरिंग स्किल्स एंड साथ ही साथ में मटेरियल क्वालिटी को भी इंश्योर करना पड़ेगा। तो देखिए, कंट्रोल के साथ साथ मैं मैनेजमेंट भी आप लोगों को साथ ही साथ बताते रह रहा हूं कि क्या तरीके हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ द फ्लड लेवल थ्रू चैनलाइजेशन, चैनल डाइवर्जन एंड फ्लड डाइवर्जन। तो ये अगेन जो है एक तरीके की प्लानिंग है, एंड दिस प्लानिंग इज नथिंग बट द ड्रेनेज प्लानिंग। तो ये ड्रेनेज कंडीशन को बेसिकली बता रहा है कि किस तरीके से हम ड्रेनेज पैटर्न को बेटर करके हम फ्लड को डाइवर्ट कर सकते हैं या चैनल डाइवर्ट कर सकते हैं या चैनलाइजेशन कर सकते हैं। चैनलाइजेशन टॉपिक हमारे जीएस पेपर वन, मतलब जीएस नहीं, ऑप्शनल पेपर वन जियो मॉर्फोलॉजी में है, और हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे जब हम लोग पेपर वन में आएंगे। वहां पर देखेंगे कि रिवर बेड की चैनलाइजेशन क्या है, कैसे करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर फिजिक्स भी देखेंगे और थोड़ी सी यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग भी देखेंगे क्या चीज है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्बैंकमेंट्स, अगेन हमें एम्बैंकमेंट्स बनाने होते हैं जिससे कि आसपास के जो भी एरियाज है, जो लेवीज जिसको बोला जाता है, वो इस फ्लड को या फिर जो वाटर के वॉल्यूम में इंक्रीज होने के कारण से कटाव आता है, जो कटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको भी रोकता है। तो एम्बैंकमेंट्स बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट होती है फ्लड प्लेन जोनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, इन सब चीजों को रिवर चैनल के पास में अगर है तो ऑब्वियसली इसे प्रोहिबिट करना पड़ेगा, या फिर इनमें एक्स्ट्रा कह लीजिए कि जो होता है वो कॉन्शियसनेस रखनी पड़ेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा, जैसे मान लेते हैं कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ये लिया जाता है। आखिर क्यों लिया जाता है? हुआ क्या था कि 1980s के दौरान में काफी ज्यादा प्रॉब्लम सामने निकल करके आई थी, बहुत ज्यादा मतलब फॉरेस्ट कटिंग के कारण से और कई सारे रीजंस के कारण से यहाँ पर एनवायरमेंटल लॉसेस देखने को मिले थे। इन एनवायरमेंटल लॉसेस के कारण से हमें प्रॉब्लम होना शुरू हुई और इसके कारण से हम लोगों ने 1986 वाला EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लेकर के आया, जहां पर ये कहा गया कि फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सबसे पहले वहां का एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, और इस एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बाद ही कोई कंस्ट्रक्शन इन द एनवायरमेंट जोन किया जा सकेगा, चाहे वो नेचुरल पार्क हो या फिर कोई भी पार्क हो या फिर रिवर का इलाका हो, ओशन का इलाका हो। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कोस्टल रेगुलेशन जोन भी लेकर के आया है। अगेन, दिस कोस्टल रेगुलेशन जोन इज टू प्रोटेक्ट द ओशियन या फिर मरीन इकोसिस्टम। तो ये वो एरियाज है बेसिकली हमें वहां पर
फ्लड वाली कंडीशन में भी सेम चीज यहां पर करना पड़ेगा. दिस एरियाज ओकेशनली फ्लडेड आफ्टर अ फ्यू ईयर शुड बी अंडर ग्रीन बेल्ट इन विच फॉरेस्ट्री सोशल फॉरेस्ट्री इज प्रायोरिटी. अब देखिए यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जहां पर फ्लड है वी हैव टू फॉरेस्ट दैट एरिया सो दैट वी कैन प्रिवेंट द फ्लड टू कम इन टू द सिटीज. अब यहां पर करना ये होगा हमें कि जो भी फ्लडिंग आ रही है और वो एरिया जहां पर रेगुलरली या फ्रिक्वेंटली फ्लड देखने को मिल रही है ऑब्वियसली वो इलाका क्या हो गया, फ्लड प्लेन बन गया. अरे उसी को ना फ्लड प्लेन बोलते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेटलैंड एरिया एंड वेटलैंड कम्स अंडर वेटलैंड प्रोटेक्शन एक्ट 2010 और साथ ही साथ में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इन दोनों में प्रोविजन किया गया है कि वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट और मेक एनी इंफ्रास्ट्रक्चर near to wetland area or ecologically sensitive area, then how can we construct any building factory in the flood channel? तो इस वजह से हमें अगेन थोड़ी सी रेगुलेशन करने की जरूरत है, थोड़ा सा मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग करने की अगेन यहाँ पर जरूरत है. नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन और इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज इन द हिली रीजन. इनफैक्ट जो है देखिए अभी रिसेंट में प्लांट्स के या फिर कह लीजिए कि जो ट्रीज हैं उनके प्रोटेक्शन को देखते हुए बिहार गवर्नमेंट ने ट्री के फेलिंग को रोक लगा दी है किसी भी तरीके की. अगर वो पब्लिक ट्री है, पब्लिक प्लेस पे है, तो वो ट्री को फेल डाउन नहीं कर सकते हैं. और क्यों किया गया है, अगेन इसीलिए क्योंकि इसके बहुत सारे निगेटिव रिपरकशंस देखने को मिल रहे थे. वन सेकेंड, लेट मी क्लियर इट. यस, तो प्रोटेक्टिंग 1 किलोमीटर ट्रैक्ट अलॉन्ग द मेजर रिवर ऑफ मैसिव एफॉरेस्टेशन वेयर एग्रीकल्चर एंड हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिट, हमें देखना पड़ेगा. रेगुलर ड्रेजिंग ऑफ द रिवर बेड करनी पड़ेगी. फॉर्मेशन ऑफ नेशनल वाटर ग्रिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज की डेट में यही एक ऐसा ग्रिड है जिसके थ्रू द होल इंडिया कैन बी कनेक्टेड एंड द होल एरिया कैन बी कनेक्टेड थ्रू दिस ग्रिड एंड A better preparedness can be achieved from this grid. The formation of national water grid through which flood waters could be diverted to dry areas through diversion channels or could be stored in the reservoir. देखिए यहाँ पर एक चीज जो है ध्यान में देखने वाली बात है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं उसमें हर साल फ्लड आती है. We have construction, we have civil engineering techniques through which we can divert these waters to Bundelkhand. इसके अलावा we can transfer this to Malwa plateau and we can transfer this to Deccan. हम लोग इसको हर जगह पर कर सकते हैं, transfer कर सकते हैं. और ये होगा कैसे, obviously एक grid के माध्यम से ही हो सकता है. इसके अलावा हमें एक suitable drainage channel भी बनाना पड़ेगा जो भी waterlogged areas हैं. हमें better और effective methods of engineering use करना पड़ेगा in the coastal areas from the tides and sea surges. होता क्या है कि अगर flood है या फिर heavy rainfall आ रहा है और साथ ही साथ में tide भी आ गया है तो obviously the problem is going to be worse. बहुत ज़्यादा problem हो सकती है, इस वजह से हमें देखना पड़ता है. तो ये सब basically आज की पूरी discussion. तो अगर आपको कोई doubt होता है तो आप इन channels का use करके अपने doubt पूछ सकते हैं. इन सारे channel, telegram link and all that सबकी link नीचे description box में दी गई है, तो आप वहाँ जा करके आप join करके अपने doubt को पूछ सकते हैं. इसके अलावा कई सारे लोग अपने questions भी भेजते रहते हैं और क्वेश्चन को देखिए मेरे लिए प्रॉपर आंसर लिख के भेजना वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम की काफ़ी कंस्ट्रेंट होती है. मैं आपको एक आइडिया और जॉटिंग बना करके दे सकता हूं और कई लोगों को मैंने दिया भी हुआ है, तो आप उस तरीके की कंडीशन को देख सकते हैं. बाकी इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग. इफ यू आर गेटिंग एन आइडिया फ्रॉम मी देन ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई इट. ठीक है, चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.